चूक ना जाना। चेन्नई में समुद्र के किनारे एक सज्जन धोती कुर्ता में माँ जन्मानी को पढ़ रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का आया और बोला कि आज साइंस का जमाना है, फिर भी आप लोग ऐसी किताबें पढ़ते हो। देखिए, जमाना चांद पर पहुँच गया है और आप लोग ये जैन धर्म पर ही अटके हुए हो। उन सज्जन ने लड़के से पूछा कि तुम जैन धर्म के बारे में क्या जानते हो। वह लड़का जोश में आकर बोला, अरे बकवास, मैं विक्रम साराभाई रिसर्च संस्थान का छात्र हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट। ये जैन धर्म तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। वह सज्जन हंसने लगे। तभी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आईं। एक गाड़ी से कुछ ब्लैक कमांडो निकले और एक गाड़ी से एक सैनिक। सैनिक ने कार के पीछे का गेट खोला तो वह सज्जन पुरुष चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए। लड़का ये सब देखकर हक्का बक्का था। उसने दौड़कर उनसे पूछा, सर सर, आप कौन हैं? वह सज्जन बोले, तुम जिस विक्रम साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, मैं वही विक्रम साराभाई हूँ। लड़के को 440 वाट का झटका लगा। क्या आपको पता है, पौधे में जीवन की खोज करने वाले डॉक्टर जगदीश चंद बसु ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि कोलकाता के जिस साइंस कॉलेज में वे पढ़ते थे, उसमें एक दिन एक जैन पंडित जी का व्याख्यान हुआ। उन्होंने बताया कि जैन दर्शन पौधों में भी जीवन मानता है। तब सभी विद्यार्थियों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे उनके इस वाक्य ने अनुसंधान पर विवश कर दिया। आज जगदीश चंद बसु का नाम वनस्पति में जीवन की खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अहिंसा के बल पर भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी जी ने सन 1921 में कहा था, बहुत बार कह और लिख गया हूँ कि मैंने बहुतों के जीवन में से बहुत कुछ लिया है, परंतु सबसे अधिक किसी के जीवन में से मैंने कुछ ग्रहण किया है तो वह कवि श्रीमद् राजचंद्र जी के जीवन में से है। दया धर्म भी मैंने उनके जीवन से सीखा। खून करने वाले से भी प्रेम करना, यह दया धर्म मुझे कवि श्री ने सिखाया। महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मुझे महावीर स्वामी के प्रदेश में रहने का सौभाग्य मिला। अहिंसा जैनों की संपत्ति है। जगत के अन्य किसी भी धर्म में अहिंसा सिद्धांत का प्रतिपादन इतनी सफलता से नहीं मिलता। इसी बात को स्वर्गीय पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने भी कहा कि यदि ये विदेशी विद्वान जैनों के धर्म ग्रंथों की आलोचना ना करते, उनके प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रकट ना करते, तो हम लोग शायद आज भी पूर्ववत अंधकार में ही डूबे रहते। क्या आप जानते हैं, इसी जैन दर्शन को पढ़कर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अहिंसक जीवन शैली अपना ली और आजीवन मांस ना खाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। जैन दर्शन एक महान विज्ञान है। गर्व कीजिए अपनी विरासत पर। एक बार बहुत मुश्किल से, महाभाग्य से जैन कुल, जैन दर्शन का अध्ययन और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। व्यर्थ की आधुनिकता में इस अवसर को चूक मत जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपने इस वीडियो से क्या समझा, यह हमें कमेंट करके बताएं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अन्य साधर्मियों के साथ शेयर अवश्य करें।